बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जी की एक मुलाकात। हम खुल्ला खुलम प्यार करेंगे, किसी को ऐतराज तो नहीं। आज उन्होंने जो तस्वीर साझा की है वो आईने की तरह साफ हो गई है कि ये एनडीए में भी फूट दिखाई दे रही है। और तो और जीतन राम मांझी जी ने भी तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा को लेकर निकले थे तो जो कमियां अधूरी रह गई थी बिहार में, उन्होंने जब अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया तो उन्हें ऐसा लगा कि चिराग हमारी आलोचना करते हैं, हमारी सरकार की आलोचना करते हैं। तो नीतीश जी, अब तक आपके सहयोगी मांझी जी भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे इस पे? तो मैंने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि यह सरकार एक महीना से ज्यादा नहीं चलेगी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक विजन था, कोई स्लोगन नहीं था। उस विजन में, उस डॉक्यूमेंट विजन में स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई, युवाओं की नौकरी को लेकर सभी चीज उसमें दर्शाया गया था। बहरहाल जिद्दी नीतीश कुमार तानाशाही वाले मुख्यमंत्री क्यों मानेंगे? आज उनके तानाशाही के वजह से ही एनडीए बिखर रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के इशारे पे ये सब हो रहा है। और पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 15 तारीख के बाद अफसर पंचायत चुनाव को देखेंगे, चलाएंगे, तो बिहार में तो अफसरशाही है ही, कई साल से अफसरशाही चलते आ रही है बिहार में। तो कहीं ना कहीं हम खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे की तस्वीर जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जी ने स्पष्ट दिखा दिया है। और यह गठबंधन एक महीने से ज्यादा नहीं चलने जा रही है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं।